लोग ना जनवरी की छुट्टियों की मजे ले रहे हैं और नरगिस जा रही है स्कूल। स्कूल नहीं बोलते वेलकम बैक टू माय चैनल गाइस। अच्छा थोड़ा सा ऊपर आ गई हूँ। आज हम जा रहे हैं मम्मी मैं आंटी गाय को ढूंढने। हमारी दो गाय गायब हो चुकी है तो उनको ढूंढने हम जा रहे हैं मम्मा मैं। एक और है हमारे साथ गांव की एक लेडी, ये जाते हैं गांव से दूर, इन्होंने गाय रखी है मतलब काफ़ी दूर रखी है गाय, तो ये गाय का दूध निकाल लें। जखम ऋषि का मंदिर आज का पूरा गांव, पूरे गांव के खेत इतने खाली खाली रहते हैं गर्मी में। यहाँ पर इनका घर है मतलब खुद शॉलन बोलते हैं इसको अपनी लैंग्वेज में। गांव से थोड़ा सा दूर है बस, ये यहाँ पर पहुँच गए हैं। यहाँ से आगे हम तीन होंगे यहाँ पर इनका घर। यहाँ से ना मेरे सामने वाला व्यू दिखाती हूँ आपको। मैंने आपको गर्मी टाइम में दिखाया था ये वाला व्यू ना, उसका लिंक भी मैं दे दूँ। तुलगा कालगा यहाँ से, कालगा उतना नहीं दिखाई देता, तुलगा पुलगा और बशानी गाँव यहाँ से दिखाई देता है। इतना प्यारा लग रहा है ना, आप तैयार हो ना देखने के लिए। मामा तो पहुँच गए, मेरा फेवरेट पॉइंट ऊपर है उस पत्थर के पास, वहाँ से ये सारे गाँव दिखाई देते हैं एक साथ। पहले वहाँ जाती हूँ ना, फिर आपको दिखाती हूँ वहाँ से। शायद से जितना ऊपर हम जा रहे हैं ना अभी, शायद वहाँ पर बर्फ़ टिकी हो। आजकल टेम्परेचर में बहुत बहुत ज़्यादा डिफरेंस देखने को मिलता है पहले के मुताबिक। पहले आजकल ना, आज से 2-4 साल पहले, आजकल के टाइम में मतलब ऐसा कहीं पर भी नहीं था, रुखा सूखा हर जगह बर्फ़ ही बर्फ़ होती थी। अब जो गर्मी इतनी बढ़ गई है, बर्फ आना ही बंद हो गई, आती है पर टिकती नहीं उतना, अभी तक तो नहीं आई है दादा। मैंने दूसरी चिंगम खा लिया, मम्मी वो दे रही थी, मम्मी कहते मेरे को सर में दर्द हो रही चिंगम चबा चबा के। यहाँ से सारे गांव देखते हैं, कालगा, तुलगा, पुलगा, बरशानी और ये मम्मा आंटी। अब हम कुटला पहुंच गए हैं। आज ना नरगिस का कैंप है उस साइड कहीं नीचे, और हम देखो नरगिस का कैंप नीचे और हम ऊपर आ गए। अगर वहाँ से टाइमली आ गए तो नरगिस भी आ जाएंगे। हमारा प्लान बना था कि आज हम पुलगा जाएंगे, वहाँ पे फंक्शन होता है सुबह 5 बजे, तो हम जाएंगे आज मम्मा मैं और नरगिस। ये वाला पहाड़ है जो मैं आपको हर बार काल का से दिखाती हूँ, यहाँ से इस तरह से दिखाई देता है। और कुछ गाय बैल है इनमें से, देखते हैं अगर कोई होगी तो। मैं तो पहचानती नहीं हूँ, मम्मी और आंटी पहचान देंगे। इनमें से हमारे कोई गाय बैल नहीं है। यहाँ पर एक है इसकी तरह है, नहीं ये हमारी गाय नहीं है। हेलो, ये है कुटला। वाओ, यहाँ पर बर्फ़ है, यहाँ भी कोई रहते हैं। इधर यहाँ पे हम पानी भरेंगे, पहले आप व्यू देखो यहाँ से। एकदम साफ पानी। हम सोचते हैं ना गांव से ऊपर आएंगे तो गंद फन्नी होगी, और यहाँ देखिए यहाँ से हल्की हल्की बर्फ दिखाई दे रही है।
और ऊपर जाएंगे तो और ज़्यादा बर्फ़ दिखाई देगी, और यहाँ से तोश इस तरह से दिखाई देता है। यह तोश गाँव मैं ट्राई करके देखूंगी। मम्मी और पापा ऊपर जा रहे हैं। वाह मजा आ रहा है। एक बार फिर से, एक बार फिर से। मम्मी इधर देखो, इधर हाथ में ठंड हो गई। चलो बर्फ में खेलने का मौका तो मिल गया, यहाँ पे इतनी बर्फ है कि खेल सकते हैं। यहाँ पे अरे क्या कर गया, अभी तक भी हमें गाय नहीं मिली है। हवा तेज तेज चल रही है और हर जगह पेड़ पेड़ आप देख सकते हो। हाँ तूफान आ रहा है, भागो। बहुत ऊपर आ गए और हमें गाय मिल नहीं रही है, कोई भी गाय बैल यहाँ पे नहीं दिखाई दे रहे। बस मैं क्या करेंगे, मैं ना कोई जाना चाहिए, मैं बहुत ज़्यादा थक गई हूँ। अभी शायद हमें इस पाइप के साथ साथ वहाँ जाना है जहाँ पे ये पाइप ख़त्म होती है, वहाँ तक। मम्मी से ना तब उजिए, मैं गलत थी, ऊपर जाना है। फिर से पीछे आ गई हूँ क्योंकि मैं थक गई हूँ फिर से बहुत ज़्यादा। आलू से भी डर लग रहा है। वीडियो बना रही थी और मम्मी और आंटी गायब हो गए, सॉरी मैं गायब हो गई। नहीं 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 होगी, हूँ गायब दिखाई दिया मेरे को मम्मा। अब मेरे को फ़ोन जेब में डालना पड़ेगा क्योंकि मम्मी आंटी का पता नहीं करा, कभी इधर जा रहे कभी ऊपर जा रहे कभी नीचे जा रहे। यहाँ पे अच्छा है, ज़्यादा दिखाई दे रहा है स्लाइडिंग के लिए। मम्मा और आंटी पर है अभी, मम्मी और आंटी मेरे को दिखाई दे रहे हैं यहाँ से। बस इतना ही, ज़्यादा नहीं, क्योंकि मम्मी और आंटी फिर से मेरे नज़रों से दूर हो जाएंगे, वरना मेरे जूते बहुत फिसलने वाले हैं। तो यहाँ तो हर जगह बर्फ है, मेरे को नीचे से जाना पड़ेगा। मम्मी कह रहे हैं नीचे देखे, मम्मा मम्मी ने क्या कहा, मम्मी ने कहा ध्यान से चलियो, ध्यान से चल रही थी फिसल गई। देखिए कितना भयानक रास्ता है और मेरे जो शूज़ है वो फिसल रहे हैं घास पे भी। अब तो मेरे को नीचे बैठ के ही चलना पड़ेगा, नीचे बैठ के बैठ के आओ। मम्मी कह रही थी तेरा काम नहीं है, तू तो आ गई बस, अब ऊपर से शूज पहने हुए फिसलने वाले। अब मम्मा 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 फन बनने का मतलब मुझे क्या, आपको भी दिखाऊंगा एडवेंचर। आओ ओ जी पूरी मस्ती हो जाएगी क्योंकि बर्फ यहीं तक है। अब यहाँ पे है थोड़ी पूरी बर्फ, अब आराम आराम से चलना पड़ेगा। अच्छा हवा है, डर गई थी मैं। अब फिर से हम बिना बर्फ वाली जगहों पे आ गए हैं। यहाँ पे देखिए कांटा चुभ गया था मेरा, और पता क्या अभी सामने एक घर है, मतलब शोरन बोलते हैं उसको, जो किसने बनाया होता है मतलब किसने बनाया होता है वो ऐसा घर है, इतना प्यारा था। मेरे हाथ भी सामने अभी तो दिखाई दे रहा था, वहाँ से दिखाई दे रहा था, मैं आपको पास से आपको दिखाऊंगी कितना प्यारा लग रहा है वो। अभी हम वहाँ जा रहे हैं, शायद क्या पता वहाँ पर गाय हो। अभी तो हमें कोई गाय नहीं मिली, रास्ते तक नीचे मिली थी बस,
कुटला में, उससे आगे में कोई भी गाय बैल नहीं मिले। अब देखते हैं वहाँ पर हो गया, अब लास्ट है वो, अगर वहाँ नहीं मिली तो हम वापस जाएंगे घर। तोश है वहाँ पर, हम तोश से भी आगे आ गए। अब यहाँ पर जो आपको ये घास दिखाई दे रहा है, इसके ना झाड़ू बनाए जाते थे, अभी तो यहाँ तक नहीं उगती है। अच्छा, 14-15 साल के बाद ये उगती है, तब तक नहीं उगती है ये, ऐसा मम्मी कह रहे हैं। मैं पास से आपको दिखाना चाहती हूँ, पर नीचे जाऊँगी तो गिर जाऊँगी ना। दिखाई दे रही है ना आपको ये वाला घास। यहाँ पे नाला भी है, जब बर्फ आती नहीं पूरा होता है, आइस से भरा हुआ सारा, अभी भी हल्की हल्की आइस लगी हुई है ऊपर, आप देख सकते हो। मैं फिर से गायब होने वाली हूँ यार, नैना बंद कर फोन, अब हो गया। मैं फिर भी नहीं सुनूंगी, मैं फोन बंद नहीं करूंगी, आपको भी दिखाऊंगी जहाँ जहाँ हम जा रहे हैं। तो सूरज भी दिखाई दे रहा था, सूरज यहाँ पे भी एक नाला है, तावारा नाला। अभी तक मैंने बहुत सारी मम्मी कह रहे जिस चीज़ के लिए हम आए हैं वो तो अभी तक एक भी नहीं मिले, बस यही सवाल रहे थे। अभी तक मैंने बहुत सारी क्लिपें बनाई हुई है, और मेरे को पता है हमेशा मेरे साथ ऐसा होता है, मैं बहुत सारी क्लिप्स बनाती हूँ और उनमें से बस कुछ क्लिप्स से छांटती हूँ और उनको उनके उनसे ही व्लॉग बनाती हूँ, और जो बाकी क्लिप्स होती है वो वेस्ट जाती है। मेरे को कुछ करना चाहिए ना उनका ब्लूपर, मैं एक वीडियो डालूँगी, मैं सारे जो भी क्लिप्स मेरे वहाँ बच जाती है व्लॉग एडिट करने के बाद, फंस गई। अब थोड़ी सी शांति मिल गई। यहाँ पर है वो घर जिसको जो मेरे को बहुत अच्छा लगता है, ऐसे मेरे को बहुत अच्छा लगता है यार सच में। दो है, हमने सोचा था यहाँ पे होंगे, अभी देखते हैं अंदर जाके अगर अंदर होगा कोई, मतलब भूत नहीं, क्या कहते हैं उसको, अंदर चलते हैं देखते हैं अंदर क्या होते हैं। कूड़ा होती मम्मी ओके, गाय बैल यहाँ पे कोई नहीं है। अपने ए अपना कोई, ओ मुझे आज पता लगा ये हमारा है। यहाँ पे मेरे दादा दादी मम्मी की तूर दादा दादी, अच्छा मेरे परदादा और दादी जी यहाँ पे रहते थे, क्यों ना ये पूरे में भेड़ बकरियाँ चराते थे, भेड़ बकरी नी ना बकरी रखता बकरी है, मैं जाती हूँ ऊपर वाले घर, आप तो बैठो यहीं पे, ले आई बैग डोका, इतना प्यारा कितना अच्छा लगता होगा ना यहाँ पे। एक घर यहाँ पे एक और है, यहाँ पे आप देख सकते हो, अब तो यहाँ पे सारा खाली हो गया है, कोई भी नहीं आता है यहाँ पे घर, अब तो घर पे भी खेत वेत नहीं बीजते उतने, पहले तो इतना दूर आते थे घर से, रहते यहीं पे थे और सारा काम यहीं पे करते थे। हमने तो नहीं किया है पर हमारे पूर्वजों ने किया है, पर मेरे को डर सा लग रहा है अकेले जाने में। कोई बात नहीं, डर कह के जीते। अंदर खाली खाली, मैं अंदर नहीं जाऊंगी, नीचे जाती हूँ यार, यहाँ से तोश भी दिखाई देता है। खतरों के खिलाड़ी लवड़ी ने डाके इससे दरार डर गया हूँ मैं। पुराने जमाने में इससे डियर टू एक्ट चलते थे। हाँ उनकी शौना है यार नहीं है। वाह सारा मम्मी वाह
उजला शॉल है ना वाह फोटो के लिए तो गिरना भी ना बोला नहीं अंदर की हो मम्मी अंदर की हो ट्राई करना कुछ नहीं हो रहा है ट्राई करते अंदर यहाँ पे अंदर जाने से क्या होता है अभी मम्मा है तब मैं डर नहीं रही हूँ मम्मी रुका कुछ नहीं इससे ज्यादा अंदर नहीं जाऊंगी क्योंकि मम्मा चले गए अभी मैं अंदर जा सकती हूँ क्योंकि मम्मी और आंटी दोनों मेरे पीछे है तो मुझे कोई डर नहीं है वैसे तो होगा कुछ नहीं पर अंधेरा है ना तो अंधेरे से डर लगता है यहाँ पे गाय रहते हैं गाय रहती है ये दरवाजा था ऊपर से गिर गया आज नहीं किचन में से बहुत पहले गिरा है अब तो यहाँ पे लॉक रखते थे यहाँ पे गाय अभी भी नहीं मिली हमें अब हम लकड़ियाँ इकट्ठा कर रहे हैं आग जलाने के लिए क्योंकि ठंड हो रही है पत्तियाँ इससे हम आग जलाएंगे बस हम यहाँ से जा रहे हैं हम ना आगे तक गए थे पता है अब कहीं भी गाय बैल नहीं मिल रहे अभी हम जा रहे हैं वापस बस अब हम जा रहे हैं घर गाय वाय तो मिली नहीं अब जब ज्यादा बर्फ आएगी ना तो फिर वो अपने आप नीचे नीचे आएगी वो ज्यादा ऊपर हम गए नहीं क्योंकि हमारी मर्जी नंबर सेठ की बंजर है जैसे मेरे दादा दादी रहते थे कालगा में सर्दी टाइम आ जाते थे गिर रही हूँ मैं बार बार क्या कह रही थी मैं जैसे मेरे दादा दादी रहते हैं ना कालगा में गर्मियों टाइम और सर्दियों टाइम आ जाते हैं बशैनी वापस घर वैसे ही मेरे परदादा थे परदादा और परदादी जी वो यहाँ पे रहते थे और सर्दियों टाइम आ जाते थे गर्मी टाइम यहाँ पे आते थे और सर्दियों टाइम घर आते थे परेशानी बस अभी हम घर जा रहे हैं अब हम उस पाइप के पास आ गए इस पाइप से होके होके हम जाएंगे ये ऊपर बकरियां चरा रहे हैं लोग अब हम इस पाइप के सहारे जाएंगे जितना मतलब ये पाइप पूरी वहां तक है वहां तक हम जाएंगे इसके ऊपर और अब नीचे कोई रास्ता नहीं है सीधा खाई है खाई दस मिनट हो गए इस पाइप के ऊपर चलते चलते और ये पाइप यहाँ पर खत्म होती है यहाँ पर भी खत्म नहीं होती है बस मतलब इस पाइप का जो इस पाइप के अंदर जो पानी है वो यहाँ तक सप्लाई होता है इस वाले टैंक में 3 बज गए अभी तक भी हम पहुँचे ये अंकल यहाँ पे आलू निकाल रहे हैं और यहाँ पे भी गाय है पर इनमें से भी कोई नहीं है हमारी गाय देखिए आलू लेने थे ना यहाँ पे आलू ये यहाँ पे खेत बीजते हैं मतलब ये खेत तो गांव के लोगों की है ना तो फिर यहाँ पे नेपाल से आए लोग तो ये खेत बीजते हैं यहीं पे रहते हैं तो आलू वालू बीजते हैं तो फिर ये बेचते हैं
कुछ वहाँ रहते हैं, सामने दिखाई दे रहे, और कुछ यहाँ पे रहते हैं। ये आ रहा। इतना दूर आया नेपाल से, हिमाचल आया है, हिमाचल में भी देखो इतने हाइट पर आया है, और बहुत ज़्यादा मेहनत करते हैं, आलू बीजते हैं, गोभी बीजते हैं, मतलब सब्जियां बीजते हैं, तो फिर उनको बेच के ये मतलब अपना गुजारा करते हैं। अभी हम घर जाएंगे और फिर आज हम जाएंगे इस वाले गांव में, क्योंकि कल यहाँ पे एक फंक्शन होता है, तो वो भी मैं आपको दिखाऊंगी कल। घर पे हम पहुंच गए, बच मिली नहीं। आज का व्लॉग इतना ही, अगर आपको व्लॉग अच्छा लगे तो लाइक शेयर कमेंट जरूर करें, फिर मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में, बाय बाय।